हम जानते हैं परमेश्वर सचमुच में महान है, हमारा प्रभु है। जबकि आज इस दिन को हम लोग ठहराया है मदर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए, वैसे तो नेक्स्ट वीक है, एवरी सेकंड वीक ऑफ मई पड़ता है, लेकिन कारणवश हम लोग इस सप्ताह को रखा है। तो कोई बात नहीं, दिन के कोई फर्क नहीं है, लेकिन आज हम हर एक माँ को वो आदर और सम्मान को देते हैं और कहते हैं मदर्स डे तुम सबको मुबारक हो। आमीन। यू ऑन ऑल आवर मदर्स दिस मॉर्निंग ना, क्योंकि हम जानते हैं माँ के बगैर हम में से कोई भी जन इस धरती में आए नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। माँ वो जरिया बना, पिता वो जरिया बना। प्रेज द लॉर्ड। उन दोनों के बगैर हमारा जीवन जीवन ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दिन को सारे संसार सेलिब्रेट करता है, क्योंकि माँ का जो भूमिका है हर एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि माँओं के विषय में बातें करेंगे हम लोग तो हमारे पास समय शायद कम पड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि माँओं के जीवन को हम देखते हैं, उनके संघर्षों को हम देखते हैं, माएँ लोग कितना मेहनत करते हैं अपने बच्चे लोगों को इस दुनिया में लाने के लिए, फिर इस दुनिया में जब बच्चे आ जाते हैं उनका पालन पोषण करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उनको बढ़ाने के लिए माओं को के ऊपर एक बड़े बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन में अगर हम लोग देखता है तो परमेश्वर माँ को एक ऐसा भूमिका दिया है, एक ऐसा जिम्मेवारी दिया है ये संसार में जो और कोई नहीं कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। माँ के सिवा वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जितना भी माँ हम लोग के कलिसिया में है, हम यही बोले मांगता है कि गॉड लव्स यू और गॉड केयर्स फॉर यू। परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर के आशीर्वाद तुम पे है, परमेश्वर के सामर्थ तुम्हारे ऊपर है, परमेश्वर के योग्यता तुम्हारे जीवन में है, उसके तरफ से बुद्धि है तुम्हारे पास। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक सामर्थ जो तुम्हें ज़रूरी है अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, वो सब प्रभु आज तुम्हें देता है या दिया है। आमीन। तो हम लोग वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर क्यों माँ को बनाया है, और फिर माँ जब हम लोग बोलते हैं माँ का जो जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हम जानते हैं जब परमेश्वर पहला इंसान को बनाया, आदम को जब बनाया और इस धरती में उसको छोड़ा, सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि आदम बिल्कुल अकेला है। प्रेज द लॉर्ड। इस सृष्टि के हर एक चीज़ के बीच में भी रहकर आदम बिल्कुल अकेला था। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, हव्वा को बनाया, और जब उसको बनाकर आदम के पास लाया तो आदम ने कहा कि इसका नाम हव्वा होगा, जिसका मतलब ये है कि शी विल बी द मदर ऑफ ऑल लिविंग, सबके आदि माता हो रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। ईव जो है सबके आदि माता है, शी विल बी द मदर ऑफ ऑल लिविंग। आमीन। तो इस तरह से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, और हम जानते हैं आज स्त्री के द्वारा दुनिया में पाप आ गए ना, शैतान स्त्री को बेकायदी से, और फल जो पेड़ के फल खाने के मना रहा उसको
खिलाए जिसे भरम में डाल के, है ना। और इस रूप से हम जानते हैं दुनिया में पाप आएंगे। और फिर प्रभु ने, परमेश्वर ने ऐसा योजना बनाया और कहा शैतान से, परमेश्वर ने बात को कहा कि स्त्री के बीज जो रहेगा, स्त्री का जो बीज रहेगा वो तुम्हारे सिर को कुचलेगा। आमीन। स्त्री का बीज, द सीड ऑफ द वुमन, वो तुम्हारे सिर को कुचलेगा। और आज हम देखते हैं उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को दे दिया, यीशु मसीह को, जो कुंवारी के गर्भ में से के द्वारा पैदा हुआ और वो स्त्री का बीज के रूप में वो बीज बन के यीशु मसीह जन्म लिया। और आज शैतान के हर एक ताकत के ऊपर वो अधिकार रखता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और आज फिर से हम सबको वो जीत दे दिया है, विजय दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हम सबको फिर से वो जीवन का हकदार बना दिया है। हम सबको फिर से परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल गया, जो अधिकार शैतान चोरी कर ले रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए शैतान बहुत कोशिश करे है स्त्रियों को ठोकर खिलाने के लिए। शैतान बहुत स्त्रियों के पीछे पड़ा रहे है, स्त्री यानी स्त्री को नाश करने के लिए पड़ा रहे है। इसीलिए हर एक कल्चा में हम लोग देखते हैं, बहुत से कल्चा में, बहुत से जातियों में जब लड़की पैदा होता है तो जो माता पिता होता है, जो समाज होता है, लड़की को ग्रहण नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो बेटा चाहते हैं, वो बोलते हैं बेटा से हमारा पीढ़ी आगे जाएगा। बेटी जब होता है तो उनको दुख होता है, क्यों? क्योंकि शैतान उनके मन में ये गलत बीज को बोया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान इस बात को जानता रहा कि जब परमेश्वर ने उससे उस गार्डन में जब हुआ और आदम को बहका कर पाप करवाई दूसरा, तो परमेश्वर ने उसको चैलेंज करी सरा कि जोन स्त्री के तुम भरम में डाला है, जोन स्त्री के तुम बहकाए के हमारे योजना को बर्बाद किया है, उसी स्त्री के बीच के द्वारा हम तुम्हें एक दिन आई हम तुम्हें हराएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस दिन से शैतान भी ठान ली सरा कि अच्छा देखी, जितना स्त्री लोग धरती में आते जाई हम उन लोग के नाश करते जाएगा, उनके प्रति हम ऐसा कड़वाहट पैदा करेगा, उनके प्रति समाज में हम ऐसा भावना प्रकट करेगा कि लोग ग्रहण नहीं करी लड़की लोग के, स्त्री लोग के। इसलिए हम लोग देखते हैं जमाना से चला आता है स्त्रियों को दबा कर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्त्रियों के ऊपर दबाव डाला जाता है। लेकिन यीशु मसीह को हम देखते हैं, जब यीशु मसीह आया उसने स्त्रियों को बहुत बड़ा आदर दिया। आमीन। स्त्रियों को बहुत बड़ा आदर दिया। और वो मरते मरते भी, वो जब क्रूस पे टंगा था, उसके माँ उस क्रूस के आगे खड़ी रही, उसने अपने माँ को भी नहीं त्यागा। वो जाते जाते वो माँ के लिए भी जगह तैयार करके गया और युवन्ना से कहा कि युवन्ना अपने माँ को तुम देखो, बिहोल्ड योर मादा। उसने कहा अपने चेला जो जोन रहा उसके कहा कि अपने माँ को देखो। वो जोन के माँ नहीं रहा, वो जीसस के माँ रहा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जोन के वो बताए के गए कि जोन तुम अब से अपनी माँ को देखो। और उसी दिन से बाइबल कहता है कि जोन उसको अपना घर लेके चला गया, किसके? मरियम को। उस दिन से जोन मरियम के देखभाल करने लगा। ऐसे नहीं रहा कि मरियम के पास और लड़कन नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको एक अच्छा हाथ में सौंपी। प्रेज द लॉर्ड। आजकल के ज़माना में हम देखते हैं बच्चे लोग अपने माँ को त्याग देते हैं। ज़्यादातर फेसबुक में जब हम देखता है इंडिया में, हम लोग के भारत देश हमारा है, हाँ दुनिया से निहारा है,
है, भारत देश के परंपरा, भारत देश के रीति रिवाज, भारत देश के जो सब शिष्टाचार के बात है सब कहाँ गए पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। माओ को ऐसे निकाल दे घर से, जैसे लड़का शादी कर ले माँ माँ को घर से निकाल, अगर पत्नी नहीं मांगे सास के संगे रहे माँ घर से बाहर। ऐसे कई माओ को स्ट्रीट में बैठकर रोते हुए देखा। माँ कहती है मैंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, हमारा पति गुजर गए, हम बर्तन मांज के कपड़ा धोए के घर घर काम करके अपन बेटा को हम पाला पोसा बढ़ाया पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज मेरा बेटा जब एक अच्छा काम करे लगा नौकरी करे लगा धन दौलत हो गए सब कुछ हो गए, हमार पति जो घर बनाए रहो घर भी हमसे छीन के हमें रास्ता में खड़ा कर दिए। प्रेज द लॉर्ड। माँ के आंसू बहे है, ऐसे कई माँ है जिनके आंसू बहे है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने उनको त्याग दिया है। आज हम बाइबल में से देखेंगे कि परमेश्वर अपने व्यवस्था में एक ऐसा व्यवस्था बनाया था बच्चों के लिए परिवार के लिए। खोले तुम्हारे पास बच्चा बाइबल है तो बुक ऑफ लेविटिकस को हम लोग खोले, लय वय व्यवस्था के पुस्तक, पुराना नियम में मिले है लय वय व्यवस्था, ये व्यवस्था का किताब है, अध्याय 19 को हम लोग देखी जाए 19 को 19 चैप्टर। ये कुछ नियम है जो परमेश्वर अपने वचन में अपने लोगों को देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये नियम है, ये आज्ञा है, ये कुछ आचरण है, ये कुछ व्यवस्था की बातें हैं जो जो पालन करना एकदम जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, पालन करना जरूरी है। वेस 1 से हम लोग देखी जाए, बोले फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। एक बात बताइस, कौन सी बताइस? मूसा के जाओ सब मंडली के लोगों से ये बात कह दो। क्या कह दो? कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। एक नियम है वो, पहला नियम कि तुम सब पवित्र बने रहो, पाप में जीवन मत व्यतीत करो, मेरे लिए अपने जीवन को अलग करो, मेरे लिए तुम जियो और मेरे उपस्थिति में रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये नियम परमेश्वर दिस। दूसरा, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये वेस 3 में हम लोग देखता है यहाँ पर परमेश्वर ये नियम दिस है मंडली के लोगों को, इज़राइल के लोगों को, कि तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। यहाँ पर हम देखते हैं माँ को आगे रखी से, बहुत जगह पे हम लोग स्क्रिप्चा में देखता है बोले ओबे योर फादर एंड मादा, मादा बाद में आवे, लेकिन यहाँ पर ये नियम में व्यवस्था में परमेश्वर माँ को आगे रखी से बोले तुम सब अपनी अपनी माता का भय मानना, आदर करना। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता का भय मानना, उनका आदर करना। क्यों परमेश्वर ने लोगों से ये करने के लिए कहा है? उसके तरफ से वो एक नियम है जो 10 कमांडमेंट में से एक कमांडमेंट है, बोले तुम अपने माता और पिता का आदर करना। बोले ऐसा करने से तुम बहुत दिन तक धरती में जीवित रहेगा और तुम्हारे जीवन आशीषित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन से लोगों को समझाता है, बताता है, नियम देता है कि तुम अपने माँ बाप का इज्जत करना, भय मानना, आदर करना, सम्मान करना। प्रेज द लॉर्ड। और साथ में वो कहा कि मेरे विश्राम दिनों को मानना।
ये व्यवस्था जो है, ये नियम जो ने अटूट है, ये हम सब के जिंदगी में परमेश्वर ने ये नियम को डाली से कि हम चाहे कितना भी बढ़ जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी हम कुछ हासिल कर ले इस धरती में, हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर का भय माने, उसके लिए पवित्र बना रहे और उसको हम सम्मान देवे और साथ में अपने माता और अपने पिता का भय माने और उनका आदर करें। अगर परमेश्वर के सिवा और कोई दूसरा जन को हमें इज्जत करना है तो वो है हमारा माता और हमारा पिता। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज़ उन जमाना में हम लोग के माता पिता के टाइम और उनके माता पिता के टाइम, पुराना ज़माना में हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग के सचमुच में ये नियम को पालन करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। पालन करता रहा, वो लोग माता पिता के वो लोग इतना आदर करते रहे, माँ बाप के वो लोग उलट के जवाब नहीं देता रहा, माँ बाप के हर एक बात को सुनता रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो टाइम अंधा लंगड़ा लूली अगर लड़की पकड़ा जिसे तो तुम्हें शादी करे पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। लड़का लोग लड़की लोग छू छा नहीं सकता रहा, करे हमें नहीं पसंद है, हम नहीं शादी करेगा, हम नहीं करेगा, नहीं वाला बात रहा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना सम्मान अपने माँ बाप को देता रहा, इस बात को जानता हो रहा कि माता पिता जो भी करेगा अच्छा करेगा मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा माँ बाप कौन है जो अपने बच्चों के लिए बुरा चाहेगा? कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे चीज़ें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, मैं तुम्हारा स्वर्गीय बाप हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे लोग, आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता का आदर करें। माँ का दिन एक साल में एक दिन रख के हम लोग सिर्फ गिफ्ट देकर ख़त्म नहीं कर दे। आमीन। तुम्हारा गिफ्ट कुछ नहीं है, तुम्हारा धन भी कुछ नहीं है, तुम्हारा जो प्यार है अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, वो सबसे बड़ा है। आमीन। क्यों परमेश्वर ने माता और पिता के ये दर्जा दिया है? परमेश्वर के बाद में अगर दूसरा कोई इस धरती में हमारा जीवन का रखवाला है, हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता करे है, तो वो है हमारा माँ बाप। आमीन। उनका हक है हमारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमें जन्माया है, उन्होंने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। अगर एक माँ के जीवन को देखेगा, कैसे हम लोग दुनिया में आया है, तुम और हम क्या जनता है हम लोग कैसे आया दुनिया में? लेकिन जब हम लोग दुनिया में आए के पल के बड़ा हो जाता है, तब माँ से डैडी से हम लोग बोलता था हम जनता है, बहुत भारी जानकारी हम लोग हासिल कर लेता। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता जब कुछ हम लोग के बताए मांगे है कि बेटा ये चीज़ नहीं ठीक है, ये चीज़ तुम नहीं करना, हाँ हम जनता है, तुम हमें नहीं बताओ। आजकल लड़कन ऐसन जवाब दे माता पिता को। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता के परमेश्वर ने एक काम दी से, बोले तुम अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ, बोले बचपन से उनको ट्रेन करो हमारे रास्ता में चले के। प्रेज द लॉर्ड। बोले ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, और बोले बूढ़ा हुए के भी बोले वो रास्ता वो बोले नहीं छोड़ी। प्रेज द लॉर्ड। अगर बचपन से हम लोग अपन लड़कन के सही रास्ता पकड़ा देगा, वो बुढ़ा भी हो जाए बुढ़िया भी हो जाए, वो रास्ता से वो भटकी नहीं। आमीन। आज हम लोग माओं को आदर देते हैं, आदर करने के लिए आए हैं। परमेश्वर अगर परमेश्वर कोई के साथ में अपने आप के कंपेयर करी से इस धरती में,
परमेश्वर एक सवाल करे अपन वचन में, बोले हु कैन कंपेयर मी, है ना, उसके तुलना कौन सके करे, परमेश्वर के बराबरी कौन सके करे, कोई है परमेश्वर से बराबरी पे कोई आवे है आए धरती में, कोई है, कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक जन के ऊपर अपन साथ में जोड़ी से, वो है माँ। ताज में माँओं से बताना चाहता हूँ कि तुम परमेश्वर की दृष्टि में कितना अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा जो भूमिका है तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, बहुत परमेश्वर के साइट में, परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। हम लोग चले एक और स्क्रिप्चा को देखे, बुक ऑफ इजिकेल में से, हाँ, अच्छा, हम लोग बुक ऑफ आयजाया देखे फर्स्ट, परमेश्वर जो तुलना करे अपना माँ के साथ में, तुलना करे परमेश्वर, आयजाया चैप्टर 66। वेस 13 में बोले, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और तुमको यरूशलम ही में शांति मिलेगी। परमेश्वर यहाँ पे माँ से अपने आप को तुलना करिए, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वेस 13 में मिले, 66 वेस 13। परमेश्वर जो हमें, हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा स्वर्गीय माँ है। और इसी आयजाया की किताब चैप्टर 49 वेस 15 में ये परमेश्वर कहता है, बोले क्या कोई माँ अपने दूध पीवइए बच्चे को त्याग सकती है। ये सवाल करे परमेश्वर, बोले क्या कोई माँ अपने दूध पीवैया बच्चा, जो बच्चा उसके छाती के दूध पिए है, वो नन्ना सा बच्चा को क्या वो त्याग सके। परमेश्वर बोले हाँ, वो तो त्याग सके, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। गॉड देखो कितना बड़ा बात बोले है हम लोग के प्रति, उसके प्यार, उसके ममता, उसके दुलार हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कितना बड़ा है। जैसे बोले एक माँ अपने पुत्र को शांति देती है, हम जानते हैं हम लोग बच्चे लोग जब भी निराश हो जाते हैं ना, बचपन में जब हम लोग रोते थे, हम लोग के कोई चीज़ पीड़ा उत्पन्न होता रहा, या कोई भूख लगत रहा, या कोई रकम से हम लोग के ऊपर कुछ मुसीबत रहा, जब हम लोग रोता रहा, जब हम लोग निराश रहा, पर माँ कुछ करे, माँ अपने गले से लगा ले, है ना, माँ अपने सीने से लगा ले और उसको अपने हाथों से अपने छाती में दबा ले और उसको बोले बेटा मत रो मत रो, मैं हूँ तेरे साथ। वो पीड़ा कहाँ चला जाए, है ना, वो दुख कहाँ चला जाए, वो शांति दे अपने बच्चे को। आज भी बड़ा होकर भी बच्चों को शांति दे माँ लोग, जब बच्चे लोग कोई भी जगह पे उनके दिल टूट जाए या उनके साथ में कुछ ऐसे गड़बड़ी हो जाए, लोग निराश हो जाए, माँ के पास जब आवे है, माँ उनको शांति दे, तसल्ली दे, हिम्मत दे। माँ का भूमिका देखो कितना बड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हमारा खुदा भी है, हमारा परमेश्वर भी है, जो हमें वो तसल्ली, वो खुशी वो देता है। और इसी में परमेश्वर वचन में कहता है कि बोले
उसकी वेद सेवन से अगर तुम पढ़ेगा, बोले वेद सेवन से बोले उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्मा दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा, ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी थी कि उसने संतान, उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुँचा कर ना जन्माऊँ? तेरा परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्व देता हूँ क्या मैं खोक को बंद करूँ? यहाँ पर परमेश्वर इज़राइल को एक माँ के दर्जा देता है। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल देश को, इज़राइल देश जो आज हम लोग देखता है, जो मैप में आए, जिस देश में आज इतना भारी लड़ाई है, उसके चारों ओर दुश्मन लोग उसके घेर के उससे लड़ाई कर रहे हैं, वो जो देश है वो एक दिन में पैदा हुए, वो देश एक दिन में पैदा हुए, वो देश रहा ही नहीं, उसके नाम निशान नहीं रहा, एक देश एक दिन में उत्पन्न कर दिस परमेश्वर, एक दिन में उस देश को लोगों से भर दिस परमेश्वर, एक दिन में परमेश्वर उसको इतना आशीष दे दिस। प्रेज द लॉर्ड। वही बात यहाँ पर परमेश्वर बोले, बोले कभी कोई सुनिस, कभी कोई देखिस कि देश एक दिन में उत्पन्न हो सके? एक देश को स्थापित होने के लिए फुली उसको अपने पाँव में खड़ा होने के लिए कई साल लग जाए। प्रेज द लॉर्ड। उसके इकोनॉमी जो है, उसके आर्थिक व्यवस्था को जो है, उसके वो उसके जो देश को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से उसको आबाद किया जाता है, वो सालों साल लग जाते हैं। हम जानते हैं ना, हमारे जो जो पीढ़ी था, हम लोग के जो ना आजा आजी लोग रहा, वो लोग इंडिया से फिजी को आइस जब यहाँ पे, वो लोग बेचारा लोग कितना दुख उठाए इस देश को आबाद करे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग जो ने इतना आराम से जीता है, उन लोग के पीढ़ी है ना, हम लोग कितना आराम से जीता है, हम लोग के खेत लोग हरा भरा, हम लोग के खेत, हम लोग के जाके अमरूद के पेड़ नहीं काटे पड़े ना, वो सब काट पाट के हम लोग के नहीं बनाए पड़े, बनावा लोगे क्यों? वो लोग मेहनत करी से, गन्ना के खेत में काम करी से, धान के खेत में काम करी से, कितना दुख उठाई से, कितना पीड़ा सही से, कितना मार खाई ने, कितना ना घर द्वार नहीं रहा उनको, बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करके आज हम लोग के इस देश में आबाद करके ये देश में छोड़ के चला गए लोग। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग इस देश के गुण गाता है, लेकिन ये इज़राइल के देश जो रहा, परमेश्वर ने इस देश को एक दिन में उत्पन्न करी, बोले हम उसके लईबा पैन दई के और पैदा नहीं करवाएगा लड़का, बोले ऐसे नहीं सके हुए। अगर एक स्त्री को लईबा पैन होवे, अगर वो प्रेग्नेंट है, लईबा पैन होवे, उसके समय होएगे बच्चा जन्म देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा कौन रकम से जन्मा हुआ जाए, कैसे पेट में पले है, कैसे वो पेट में आवे है वो बच्चा, ये सब हम लोग के समझ से बाहर है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम पढ़ा लिखा है तो तुम्हें समझ में आए, हालेलुया। लेकिन ये सब परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हुए। बाइबल में हम लोग देखता है साम्स 139 में दाऊद बोले कि मैं बहुत अद्भुत रूप से रचा गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। माँ के गर्भ में मैं बहुत अद्भुत रूप से रचा गया हूँ, मेरे एक एक पुर्जा के प्लेन जो है तुम्हारे पास है परमेश्वर, हमारे एक एक हड्डी के, एक एक नस के, एक एक ओगन के। प्रेज द लॉर्ड। एक एक चीज जो तुम हमें हमारे माँ के पेट के अंदर में मैं बनाया है, तुम्हारे पुस्तक में बोले लिखा है, गॉड हैड अ प्लान फॉर योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर के पास हम सब के जिंदगी के प्लान रहा, इसीलिए वो हम लोग के माँ के गर्भ में हम लोग के उत्पन्न करी से।
और जब हम लोग जन्म ले लेता है तो परमेश्वर के जब हम लोग पवित्र मानता है, अपने जीवन को पवित्र रखता है, उसके इच्छा में चलता है, तो हम लोग के जीवन को वो बनावे है, वो पालन पोषण करे हम लोग के, वो बढ़ावे, वो हम लोग के ज्ञान बुद्धि समझ हर एक आशीष से वो भरपूर करे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम लोग चले बुक ऑफ इजिकेल में, हम लोग देखे जाए माँ के विषय में यहाँ क्या कहता है। इजिकेल चैप्टर 19 को हम लोग देखें, लेविटिकस 19 देखा, अब हम लोग इजिकेल 19 को देखें। परमेश्वर के वचन में माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और बाइबल में ऐसे कई माँ लोग हैं, हव्वा है, योकिबेद है जो मूसा के माँ, वो माँ को हम लोग देखते हैं कैसे अपना बेटा को उस क्रूर राजा से बचा के उसके उतना बड़ा आदमी बन गए। वो सब कैसे हुआ, वो माँ के बुद्धि के द्वारा, वो माँ के समझ के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखी जाए परमेश्वर यहाँ पर क्या बोले है, 19:1 से हम लोग देखी, इज़राइल के प्रधानों के विषय में तू यह विलाप गीत सुना। किससे बोले परमेश्वर, इजिकेल के, इजिकेल जो भविष्यवक्ता रहा, जो नबी रहा, उसके बताए बोले जो इज़राइल के प्रधान लोग है, प्रधान लोग के मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बड़ा बड़ा लोग जो इज़राइल में, जो राजा लोग है जो प्रजा के ऊपर राज करे है, उनके ऊपर बोले विलाप गीत बनाओ और गाओ उनके सामने। विलाप गीत के मतलब ये दुख के गीत है। प्रेज द लॉर्ड। ये दुख के गीत है। परमेश्वर बोले इजिकेल नबी तुम भविष्यवाणी करो, विलाप गीत के रूप में तुम भविष्यवाणी करो, उन प्रधानों को बताओ। क्या बताओ, बोले तेरी माता एक कैसी सिंगनी थी, माता, ओ माता के बारे में बोले है। बोले तुम्हार माँ एक ऐसी सिंगनी थी, सिंगनी के मतलब लायनेस, फीमेल लायन, शेरनी थी। बोले तेरी माँ एक शेरनी थी। आमीन। माँ को परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है, किससे मिलान करे है, शेरनी से। शेर हम लोग जानता है जंगल के राजा है, और शेरनी भी कुछ कम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शेर जो होता है, शेरनी जो होता है, वो लोग रूल करे, वो लोग अधिकार रखे है वो जंगल के ऊपर और जानवरों के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रधानों से परमेश्वर ये विलाप गीत बोले है, तुम लोग, तुम्हारी माँ जो थी बोले कैसी सिंगनी थी, और वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। सिंह लोग के बीच में बोले बैठा करता रहा और अपने बच्चों को बोले जवान जवान सिंह लोग के बीच में पालता पोसता रहा। इसमें बहुत मतलब है, ये वचनों में बहुत गहरा मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को इस पापी संसार के बीच में पालने के लिए तुम्हें भी एक शेरनी बने पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें भी वो शेरनी के तरह बने पड़ी, बिकॉज ये दुनिया बहुत मतलब के दुनिया है, विश्वास गाती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बुरा है, और अगर इस दुनिया में तुम मंगता तुम्हारे बच्चे लोग चमके तारों की तरह, तुम्हारे बच्चे ऊंचाई पे पहुंचे, तुम्हारे बच्चे सीधा रास्ता में चले, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर के भय माने, तो माँ लोगों को शेरनी बनना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। जवान जवान सिंह लोग के बीच में रही के बोले अपना बच्चों को पालन पोसी, बोले अपने बच्चों में से उसने एक को पाला
और वह जवान सिंह हो गया और आहेर पकड़ना सीख गया। अपन बच्चे लोग में से बोले वो एक के पालिस और वो जवान हो गए, और अब बोले वो आहेर। आहेर के मतलब है शिकार करना सीख गए। प्रेज द लॉर्ड। किसके शिकार करे आज हम लोग मांगो, देखो हम लोग के बच्चे लोग किसके शिकार करे। प्रेज द लॉर्ड। माँ लोग, आज इस दुनिया में हमारे बच्चे कौन से शिकारी करे है? जवान हो जाए तो किसके शिकार करे पहले? लड़का लोग, लड़की लोग हैं, पहले शिकार करे, लड़का खोजे, लड़की खोजे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोले, देखो अच्छा से सुनो, बोले शिकार और आहेर पकड़ना सीख गया और उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। ये सिंगनी के बच्चा को हम लोग देखता है, ये जब शेर बनी से इसके थोड़ा रवैया डिफरेंट दिखाए है ना। ये जो शेर रहा ये लड़का जो शेर रहा जिसके उसके माँ पाली से, ये थोड़ा गलत काम करे सीखी से, यहाँ तक कि बोले मनुष्य को भी बोले फाड़ के खा ले। तो हम लोग जो माँ होती है वो अपने बच्चों को शुरू से जब पालन पोषण करे है तो उसको कैसी सीख देवे है, आमीन, कैसी तालीम देवे है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। बचपन से तुम अपन लड़का के अपन लड़की के क्या सिखाता? पड़ोसी के मुर्गी चोरी करके लाने के लिए, पड़ोसी का अंगना में कुछ रही तो बेटा दिखना वहां के टंगाई हुई तो उठा के लेकर जाना, कि या लड़का लेके भी आ जावे तो तुम कौन सी करता? प्रेज द लॉर्ड। कोई दूसरा के चीज लड़का लेके आ जाए, स्कूल से कोई के पेंसिल लेके आएंगे, कोई के बुक लेके आएंगे, हाँ तुम क्या करता? एक माँ होने के नाता उस बेटा को तुम कैसा तालीम देता, क्या सिखाता कि जब तुम स्कूल में जाना बेटा अपन फ्रेंड के बुक नहीं लेके आना, अपन फ्रेंड के पेंसिल चोरी नहीं करना, उसके शापना नहीं उठा लेना। प्रेज द लॉर्ड। हो सकना अपन अला दे देना लेकिन उसके नहीं लेना, तू चोरी मत करना, अगर नहीं है तो मांग लेना। तो हम लोग कौन सी करता? अपन लड़कन के सही शिष्टाचार सिखाता, सही रूप से समाज में जीने के बारे में बताता है। प्रेज द लॉर्ड। कि बचपन से जब वो लड़का सही चीज पकड़ ले तो वो बहुत आगे जाए, अपन जीवन भर वो चीज को पकड़ के चले, वो लूटी नहीं किसी को, किसी को धोखा नहीं दी, किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करी, किसी के चीज को चुराई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किसी के साथ में अंधेर नहीं करी, किसी लड़की को भ्रष्ट नहीं करी, किसी को बुरा भला नहीं कही, बड़े जनों को आदर सम्मान दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब चीज बच्चों लोगों को एक माँ ही सिखाती है। और अगर लड़का बड़ा हो के बिगड़ा है, ये जो कहानी है, ये जो सिंगनी के कहानी है, वो सिंह के कहानी यहाँ पर परमेश्वर हम लोग जतावे है, दिखावे है कि जो राजा लोग इज़राइल के ऊपर ये सिंह बना, ये राजा रहा, ये लड़का जब राजा बना, ये राजा बहुत क्रूर राजा बन गए, प्रजा के ऊपर बहुत अंधेर करे लगा, बोले फाड़ के खाए लगा, दैट मीन्स उनके जीना हराम कर देता रहा। अपन देश को राइट वे से वो देखभाल नहीं करता रहा, चलाता नहीं रहा, है ना। हम लोग जानते हैं कि कभी कभी एक गुड लीडर है, कभी कभी एक बेड लीडर है। प्रेज द लॉर्ड।
एक अच्छा राजा रहे तो एक बुरा राजा रहे। बाइबल में हम लोग देखते आया ऐसे कई राजा लोग रहा। सोल के हम लोग देखता वो बुरा रहा, दाऊद के हम लोग देखता वो अच्छा रहा, सुलेमान के हम लोग देखता वो अच्छा रहा, ऐसे कई और राजा लोग रहा जो जिनके नाम बहुत नाम लोग है वो लोग सब बुरा रहा। तो यहाँ पर इज़राइल के प्रधानों को के विषय में बोले तुम भविष्यवाणी करो, बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी सिंगनी थी। तो ये माँ बोले जवान सिंगों के बीच में पालन पोषण करी सपन लड़का के, देख शोज देख के माँ नहीं अच्छा रहा। आमीन। माँ कॉम्प्रोमाइज करता रहा। तुम कैसे अपन लड़कन के पालन पोषण करता है ये बहुत मायना रखी है। अगर हम लोग एक मसीह माँ है, एक गोडली मादा है, एक गोडली मादा गोड के अगर हम लोग जनता है तो हम लोग गोड के प्रिंसिपल्स, गोड के वचन, गोड के बातें, गोट के भय अपने लड़कन के अंदर में भरेगा, कूट कूट के भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। छोटा से कूट कूट के भरेगा कि बड़ा हुई के वो लड़कन परमेश्वर के गुण प्रकट करी, चाल चलन प्रकट करी, परमेश्वर के बोली बोली, पवित्रता की जीवन जी। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कर्तव्य किसके है? माओ का, अ गोडली मादा। और एक वर्ल्डली मादा रही जो संसारिक मारी, वो संसार के चीज लोग के सिखाई लड़कन के, संसार में कैसे जो फैशन से रो सिर उठाए के जियो, कोई सामने झुकना नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देना। प्रेज द लॉर्ड। संसार के तरह तो वो लड़कन बड़ा हो के फिर बिगड़ जाए, वो लोग किसी के आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, इज्जत नहीं करे, परमेश्वर के भी डर नहीं रहे लोग के अंदर में। प्रेज द लॉर्ड। लड़कन बिगड़ जाए। इसीलिए आज हमारे समाज के बच्चों को हम लोग देखे, आज हमारे समाज के बच्चे लोग आज नाश होते जाए। इसीलिए परमेश्वर वचन में बोले बुद्धिमान स्त्रियों को बुलाओ कि वो लोग आए के विलाप करी, वो लोग आए के रोई, वो लोग आए के इंटरसीड करी, वो लोग आए के प्रार्थना करी, वो लोग आए के गिड़गिड़ाई परमेश्वर के आगे, ताकि बोले उनके बच्चे बचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। उनके बच्चे नरक से बचाया जाए, उनके बच्चे शैतान के चंगुल से छुड़ाया जाए, उनके बच्चे वो ड्रग एडिक्शन से बचाया जाए, उनके बच्चे वो व्यभिचार के में से बचाया जाए, उनके उन बच्चे वो दारू दंगा से बचाया जाए, चोरी चंडाली में से बचाया जाए, वो मेढा वो सब करने से बची। प्रेज द लॉर्ड। जब माँ लोग अपने घुटनों में जाई, जब माँ लोग परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाई, जब माँ लोग अपने बच्चों को खवा करी परमेश्वर के लहू के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। माओं को परमेश्वर एक ऐसा भूमिका दी से घर में। और फिर यहाँ पर एक और बात बते से परमेश्वर बोले वो बोले फाड़ के खा लीस, और फिर बोले जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसने उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसे उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गए। जब उसकी माँ ने देखा और वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। माँ के आशा टूट गए। आमीन। अपन बच्चा के जब वो देखे उसके आशा टूट गए। बिकॉज उसके माँ सर जो भी सिखाइस रहा उसके अनुसार वो करीस नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उसके अनुसार वो चलीस नहीं, इसीलिए वो बंधुआई में चला गया। इसीलिए जाति जाति के लोग उसके वही के खोदा हुआ गड्ढा में उसके गिराए दिस, वो गड्ढा में गिर गए। अब माँ देखी तो लड़का बर्बाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उसके राजा बनाइस तो, लेकिन वो राज पदवी तक में वो ठहर नहीं पाई।
टिक नहीं पाई। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके आशा टूट गए, तो फिर कौन सी करीस। जब उसकी माँ ने देखा, बोले उसके धीरज धरेरा, बोले उसकी आशा टूट गई, तब उसने एक और बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। एक और लड़का के ऊपर आशा लगाई। सो बोले अच्छा, ये पहला लड़का तो हमार बिगड़ गए, बोले अच्छा दूसरा के ऊपर अब हम थोड़ा मेहनत करी। प्रेज द लॉर्ड। उसके जवान पालन पोषण करके, उसके लिए क्या ना क्या करके, उसके बड़ाई के, उसके पढ़ाई के, लिखाई के, वो बहुत बड़ा राजा वो भी बन गए, बड़ा जवान सिंह वो भी हो गए। तब फिर कौन सी बेर, तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा। अब वह भी अहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया, वो भी वही रकम हो गए। प्रेज द लॉर्ड। उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके नकेल डालकर और कटघरे में बंद करके बेबीलोन के राजा के पास ले गए और गढ़ में बंद किया कि उसका बोल इज़राइल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई ना दे। प्रेज द लॉर्ड। घर उजाड़ीस, बोले इतना बिगड़ गए, लड़का चोरी करे लगा, घर घर घुसे, घर घर में जावे घुसे, रेप करे, घर सब फूक दे, चोरी चंडाली करे, ऐसे रहे ना कोई कोई लड़का। आज जो ने चोरी चक्का करके घूमे ये लड़का लोग वही रकम है जैसे ये राजा रहा, बिगड़ा हुआ। और बोले वो देश के लोग तंग हो गए उससे, क्या आज तुम्हारे देश के लोग, तुम्हारे शहर के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे कलिशिया के लोग, तुम्हारे नौकरी के जगह में जो तुम्हारे कोलीग्स है, आज क्या वो तुमसे तंग है या तुमसे कुछ उनके उन्नति मिले। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लड़कन के पालो, ऐसे उनको सीख दो कि वो समाज में तुम्हारा नाम ऊंचा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कि वो परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो सके। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बेटा, ऐसा बेटी, ऐसा पालन पोषण करो, ऐसा सीख दो, ऐसा शिक्षा में बढ़ाओ, पालो लड़कन के अपन की, उनके द्वारा माँ बाप के नाम रोशन हो, साथ साथ में उस खुदा के नाम की भी रोशन हो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बिगड़ गए। फिर यहाँ पर बोले तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान है। दो ही चीज यहाँ पर परमेश्वर दिखावे, एक शेरनी के रकम तुम्हारे माँ है बोले, और बोले एक तट पे लगा हुआ दाखलता। तट पे बाइबल में लिखा है साम्स में ना, जो पेड़ बोले नदी के किनारे नाले के किनारे लगा हुआ है बोले वो कभी सूखे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कभी जुराए नहीं बोले, वो अपने हर सीजन में फल लेके आवे है ना, क्योंकि उसके जड़ बोले वो नदी के किनारे जो लगा है वो गहरा में जाके वो गहराई में से अपना भोजन को खींच के लेके आवे और वो बढ़े। चाहे कितना झूरा आवे, कितना तूफान आवे, कितना बाढ़ आवे, कितना भी टक्कर उसमें लगे, वो पेड़ गिरे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो हरा भरा रहे, उस तरह से वो व्यक्ति रहे है जो बोले परमेश्वर पे भरोसा रखे, उस तरह से वो मारे हुए है जो परमेश्वर पे भरोसा रखे, उस तरह से वो पेड़ की तरह बोले तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पे लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। उसको पेड़ हरा भरा हरा बोले फलों से और शाखाओं से, ब्रांचेस उसके बोले बड़ा बड़ा ब्रांचेस, ब्रांचेस अगर देखे मंगना हमारे घर के पीछे जाना, एक सिरसा के पेड़ देखना, इतना छोटा से उसके बोया अभी ऐसे छाएगे ब्रांचेस, उसके शाखा निकल के
फैल गए, लंबा लंबा उतना दूर तक फैल गए। प्रेज द लॉर्ड। तो बोले वो फलों और शाखाओं से भरी हुई थी, प्रभुता करने वालों के राजदंडों के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी ना। राजदंड जो ने जो राजा के हाथ में डंडा रवे है उसके राजदंड बोलिए। राजा उसके हाथ में रख के राज करे है, राजा अगर डंडा कोई के और फेर दी से तो उसके खया खैर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा के राजदंड है वो पेड़ में से काटा जाए बोले, जो उन पेड़ नदी के किनारे। उसी तरह से एक माँ का जीवन है, उसके द्वारा उसके बच्चे लोग वो राजा के राजदंड के तरह वो लोग जब बड़ा हुए, जब माँ के शिक्षा प्राप्त करके परमेश्वर के शिक्षा प्राप्त करके वो लोग रहे तो उस राजदंड के तरह रहे बोले, उसमें से काटा जाए बोले। और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची, इतना ना ऊंचा हो गए बोले बोले बादलों के बीच तक पहुंच गए बोले वो, बिकॉज उसके उसके जो पहुंची रहा बोले उतना फेमस हो गए। दैट मीन्स प्रेज द लॉर्ड, उतना नाम चले लगा। और अपनी बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। उसके माँ के बारे में बता तो भी बोले वाह, जलजलाहट के साथ उखाड़ कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गई और उसकी मोटी टहनियाँ टूट कर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। अब वह जंगल में और निर्जल देश में लगाई गई है, उसकी शाखाओं की टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी ना रही। तो माँ बोले वो तट पे लगाई हुई दाखलता की तरह जिससे तुम पैदा हुए, बोले वो माँ उस तरह के रहा जो तुम्हें पाली से, जो तुम्हें ज्ञान सिखाई से, जो तुम्हें सही रास्ता दिखाई से। लेकिन वो लड़का के कारण वो नीचे गिराया गया। वो लड़का अपने माँ के बताए हुए शिक्षा शायद नहीं लिया हुए, या शायद वो माँ, आज दुनिया में हम लोग देखते हैं दो तीन तरह की माँ है। एक अच्छी माँ होती है जो परमेश्वर के भय में चले है, गोडली मादा, और एक माँ जो होती है अपनी इच्छा पे चले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नहीं मांगे, परमेश्वर के बातों को अपने बच्चों को नहीं सिखाए। जैसे बोले एक जगह और वचन है, नहीं सकता उतना वचन तुम लोग के दिखा है, एक कहावत है बोले बोले कहावत है, जैसी माँ वैसी बोलो, जैसी माँ वैसी बेटी, कहावत है बाइबल में, खोल के तुम लोग के दिखा है कोई रोज, जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ, अगर एक माँ गोडली मादा है, परमेश्वर के महिमा करेला माँ है, परमेश्वर के इच्छा पे चले है, भय में चले है और अच्छा रास्ता चले है, उसके लड़की भी वही कर मिली। आमीन। उसके बेटी में भी वही गुण आए जी, बेटों में भी वही गुण आए जी। आज हम अपन लड़कन के जब देखता है, अपन तीनों लड़कन के देखता है, एक के नहीं, परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता। हमें याद है हमारा लड़का डैनियल छोटा राजा, हमारे एक आदत रहा अपन लड़कन के छोटा से वो लोग के हम दूध पियाते रहेगा, झलुआ झुलाते रहेगा, कुछ भी रहेगा, गाना गाते रहेगा, मसीह गीत गाते रहेगा, सुनाते रहेगा वो लोग के प्रभु के बात। डैनियल हम देखता जैसे छोटा तोरा बड़ी हाथ उठा के भी हालेलुया हालेलुया
अच्छा से मुंह में बोली नहीं आए लेकिन हालेलुया बोले, प्रेज द लॉर्ड, गाना गावे। आज वो बाजा बजावे, वो गाना गावे, वो कहाँ से वो उसके पास वो वरदान आए से। वो 7 साल के लड़का भी नहीं रहा, कहीं नहीं सीखी, कुछ नहीं सीखी से ड्रम में बैठ के ड्रम बजाए लगा। प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज हम जनता वो वरदान परमेश्वर उसके लिए। फिर थोड़ा रोज में हम देखता हूँ कीबोर्ड बजाए लगा, फिर थोड़ा रोज में देखता हूँ गिटार बजाए लगा, प्रेज द लॉर्ड। और अभी देखता तो पूरा सब चीज बजाए के गाना गावे, दूसरा के भी अगुवाई करिए, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि बचपन से उसके वो वाला चीज उसके अंदर में हम कूट कूट के भरा, प्रेज द लॉर्ड, कूट कूट के अपने बच्चों के अंदर में परमेश्वर के वचनों को भरा। बेंजामिन को देखो, आज भी बेंजामिन लगभग कितना ईयर्स के हो गए, लगभग ऑलमोस्ट 40 के हो गया है ना, हाँ 37 के है। आज भी वहाँ से वो कॉल करके हम और वो बैठ के हम लोग परमेश्वर की बात करता, वहाँ से वो कॉल करी, कोई चीज़ अच्छा चीज़ देख ले, कोई चीज़ अच्छा चीज़ जान जाई, हमसे शेयर करी, हमसे पूछी, हम भी उसके बताएगा, हाँ बेटा ऐसे ऐसे बाइबल में लिखा है, हाँ। खुशी लगे ना जब तुम्हारा लड़का ने से आत्मा में बढ़ंती करे है, आमीन। हम लोग घंटा घंटा परमेश्वर के बात करता, माँ बेटा जेसिका भी वही रकम, हम लोग लगे बात नहीं रह करे कि हम लोग पर बाइबल के बात करता, क्योंकि हम जानता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर के वचन। परमेश्वर हमारे बच्चों के जिंदगी में, हाँ हर दिन के हमारे दुआ रहे है कि प्रभु हमारे बच्चों को तो हमारे पीढ़ी को, हमारे नाती को, हमारे पोतों को, हमारे पीढ़ी में जनरेशन जो नमार है प्रभु तुम्हार महिमा करे, तुम्हार प्रशंसा करे, तुम उनको इस्तेमाल करो, उनको तू अगुवाई करो, अपने भय में चलाओ, अपनी इच्छा उन पे जाहिर करो, उनके आँखों खोलो प्रभु, उनके चाल चलन को तू कब्जा करो प्रभु, उनके पापों को तू क्षमा करो, शैतान के हर एक चाल से उनको बचा के रखो, अपने खून से ढाक के रखो। प्रार्थना माओं के कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए, भले वो लोग आज बढ़ गए, वो लोग जान गए, उनके भी बच्चे हो गए, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के काम खत्म नहीं भाई, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे। ये दुनिया, ये धरती में आजकल हम लोग दिखता है बहुत कुछ अच्छा नहीं है, तो माओं को परमेश्वर ने चुना है, प्रेज द लॉर्ड। आज तुम अपने घर में जो जो कुछ तुम किया है अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आज कई माएं हैं जो इतना दुख काट के भी अपने बच्चों के लिए खड़ा है, बहुत माँ लोग है दुख देखे नहीं, बच्चे उच्चे छोड़ के सब भाग जाए, है ना, बच्चों को भी पिता के लगे छोड़ के भाग जाए अपन प्राण बचाए के। लेकिन कई माँ ऐसी है जो बोले हम अपन बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लिएगा, अपन इच्छा वो सेक्रीफाइस कर दे, प्रेज द लॉर्ड। वो सेक्रीफाइस करे अपने घराना के लिए। तो आज परमेश्वर माओं को चुने से, क्या तुम शेरनी है, क्या तुम तट पे लगा हुआ वो दाकलता है जिसके टहनी इतना दूर ले जाए है। टहनी के मतलब तुम्हारा लड़कन, तुम्हारा संतान, तुम्हारा जेनरेशन, प्रेज द लॉर्ड। वो दाकलता में से कल्ला निकल निकल के कहाँ कहाँ पहुंची से आज देखो, तुम्हारा लड़कन अगर नौकरी के जगह में है, उनके उनके ऊंचा स्थान में वो लोग अगर चले हैं, तो जानो तुम्हार तुम्हार द्वारा, माँ के द्वारा, पिता के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, हम सब खड़ी हो जाए। तो आज माँ के दिन है, तुम्हारे पास माँ है तो आज तुम उसको आदर करना, सम्मान करना। कभी कभी माँ लोग डांटे है लड़कन को, अच्छा के लिए डांटे है, कभी कभी एक आध चपकी भी मारे है अच्छा के लिए मारे है, बोले मारो, मरी नहीं बोले वो, लेकिन बोले वो सही रास्ता पकड़ ले, प्रेज द लॉर्ड। तो आज अपन माँ से प्यार करो, अगर माँ से तुमसे कोई झगड़ा हो गए माफ़ी लो, क्षमा मांगो, कुछ बुरा भला बोल दिया है क्षमा मांगो, माँ के दिल मत दुखाओ,
माँ को आशीर्वाद दो, उसके आशीर्वाद के हकदार बनो बच्चे लोग। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।